अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। मेरी जान से प्यारी तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम के दहरीना दोस्त कारकुनान अंजुमन तलबा इस्लाम, अंजुमन तलबा इस्लाम के मुहिब्बीन मुखलिसीन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अंजुमन तलबा इस्लाम की मौजूदा क़यादत और अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम दोस्त कि जिन्होंने ग्लोबल आर्डर को समझते हुए, मौजूदा वक्त के तकाज़ों को जानते हुए, जब पूरी दुनिया एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, तो अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों ने एक बड़ा अच्छा अपने कारकुनान की तरबियत के लिए एक सिलसिला शुरू किया और हाई आलल फला मुहिम के नाम से मुल्क भर में अंजुमन तलबा इस्लाम के लोगों को उनकी रूहानी बालिदगी के लिए रमज़ान मुबारक में एक खूबसूरत बज़म का इनेकाद करके आप तमाम लोगों से मुखातब होने का मौका पेश किया। तो इस हवाले से भी मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, और अगर कहीं पे कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो उसको आप पॉइंट आउट करें। अब यकीनन आपको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। अब मंजूर भाई, अकरम भाई, जी एम अवैसी साहब, आवाज़ अब बेहतर हो गई है? आप तमाम अहबाब को आवाज़ बेहतर आ रही है या नहीं? आवाज़ आप लोग को बेहतर आ रही है या नहीं? आप साथ साथ अपने मैसेज करके मुझे बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो। अच्छा, मैं बिला ताहीर अपने मौजू की तरफ आऊँगा। अच्छा, आज का जो मौजू है, मैं थोड़ा इसकी तरफ आना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे देखें कि मौजूआत का इंतखाब जो क़यादत ने किया है वो भी बड़े जानदार मौजू हैं और वाकया ही इन बातों पे डिबेट होनी चाहिए और वाकया ही ये वक्त की ज़रूरत है और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। और अगर आप लोग, मैं इस यकीन के साथ कि बार बार चलें लाइफ में मौका भी नहीं मिलता, तो आप लोग अगर मेरा ये आज की गुफ्तगू अगर आप समाप्त फरमाएंगे तो इंशाल्लाह बतौर तालब इलम रहनुमा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर सॉल्व होंगे। और ये आज का लेक्चर इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करूँगा कि एक बड़ा फ्रूटफुल और बड़ा बेनिफिशियल होगा बतौर तलबा तंजीम और बतौर तालब इलम रहनुमा। इन तमाम चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मेरा आज का मौजू है तलबा सियासत और अंजुमन तलबा इस्लाम। तो इसमें मैं बुनियादी जो मेरा फोकस रहेगा वो तलबा सियासत के ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो इस बात से आगाह नहीं है कि तलबा सियासत या स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है इसका रोल क्या है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या है, इसके प्रस्पेक्टिव्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है इस पॉलिटिक्स से मुल्की सतह पर क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुए, और ये जो लोग इतनी बड़ी सतह पे, इतने बड़े पैमाने पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारी डिबेट है, इस डिबेट का मैरक क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं कि जिन फैक्टर्स को बेस बना के पॉलिटिक्स, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स को बैन किया गया, और वो तमाम जो आप कैसा समझ सकते हैं कंडीशंस क्या हैं कि जिन कंडीशंस को फुलफिल करके एक स्टूडेंट जो है वो एल है या वो करेक्टर बिल्डिंग कर सकता है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर सकता है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनका जवाब आप में से हर बंदा जानना चाहेगा,
लेकिन बदकिस्मती, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हमारी रही वो ये रही है कि हमने, हमें आज तक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली उस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, बिलखसूस ये आप तलबा तंजीमों की नायाली कह सकते हैं या फिर इसे कोई साजिश का नाम दे सकते हैं, बहरहाल कोई आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, आज देखें मैं अब इसकी हिस्ट्री की तरफ आता हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स या तलबा सियासत जो है ये बुनियादी तौर पे क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका तारफ क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। वालेकुम सलाम तनवीर भाई जी, मवैसी साहब, तनवीर अब्बास साहब, ये सारे दोस्त मेरे साथ हैं। तो अच्छा, देखें कि एक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसको बैन क्यों किया गया, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कि जो फैक्टर्स वजह बने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन करने के। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैं लेक्चर के आखिर पे भी आपसे ये सवाल करूंगा अगर आप मुझसे जुड़े रहें तो। अच्छा, पहला सेंटिमेंट या नोशन जो है, या ओपिनियन, पहली ओपिनियन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन करने वालों ने पहली ओपिनियन जो ली है, वो ओपिनियन ये थी कि पहला सेंटिमेंट या नोशन जो डेवलप हुआ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया जाना चाहिए, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट जब अलकलाइंट, स्टूडेंट जब इनकलाइंट हों किसकी तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ, तो उनके जो एकेडमिक्स हैं वो मुतासर होंगे। ठीक है, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया गया तो जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन रखना चाहते हैं उनका पहला जो हमेशा आपसे सवाल होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को कभी भी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह वो ये बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ आएगा तो उसके एकेडमिक्स जो हैं, ठीक है, उसके एकेडमिक्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि मुतासर होते हैं। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात क्या, कि दूसरी बात ये है कि जब आप पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ आएंगे, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी भाई, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो पॉलिटिकल ट्रेंड की जब आप बात करेंगे तो तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाने वालों का एक क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं जी, स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट यूनियन, किडनैपिंग, टॉर्चर, मर्डर, इन तीन चीजों की प्रमोशन करते हैं और इन तीन चीजों की प्रमोशन की वजह से स्टूडेंट्स यूनियन जो है उनको बैन रहना चाहिए। यानी पॉलिटिकल ट्रेंड में आने की वजह, या दो मेन क्वेश्चन हैं जिनको बेस बना के स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाई जाती है या लगाई गई माजी में, वो दो सवाल क्या थे। एक मैंने आपको पहले बता दिया कि एकेडमिक्स आपके मुतासर होंगे अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे, एक बात ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टूडेंट जो हैं वो मर्डर, किडनैपिंग, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि तलबा तंजीमों के अंदर जो है, ठीक है, तलबा तंजीमों के अंदर बुनियादी तौर पे जो चीज़ फरोग पा रही है वो वायलेंस है। ठीक है, तो वायलेंस जो है, वायलेंस की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसको बैन रहना चाहिए। अच्छा, ये इन अवामल को बुनियाद बना के 9 फरवरी 1984 में, ठीक है, कि यार आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए अब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सेलफोन के करीब हो जाता हूँ, अब आवाज आपको बेहतर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्हीं दो क्वेश्चंस को बेस बना के 9 फरवरी 1984 में जनरल जियाउल हक ने तलबा तंजीमों पे पाबंदी आयद की। आप इस बात से बखूबी आगाह होंगे और ये एक अलमिया ये है कि ये किसी एक बंदे का, ये फर्द का मामला नहीं था, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा, बल्कि ये स्टेट नैरेटिव रहा। आप इस बात का यकीन करेंगे कि 1977 से लेकर 1988 तक ये स्टेट नैरेटिव था कि वायलेंस है तलबा तंजीमों में, इसलिए तलबा तंजीमों को बैन रहना चाहिए। अब उसके अलावा एक काउंटर नैरेटिव डेवलप हुआ जिसने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई नहीं, तलबा तंजीमों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं, लेकिन उस काउंटर नैरेटिव को इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। आप यकीन जाने कि जो स्टेट का नैरेटिव होता है ये बहुत बड़ी बात है और ये आप इसे समझने की कोशिश करें जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो 77 से 88 तक को 10 साल का अरसा बनता है, ये स्टेट नैरेटिव रहा कि स्टूडेंट यूनियन को बैन रहना चाहिए बिकॉज दे क्रिएटिंग द वायलेंस इन एजुकेशनल कैंपसेस। अच्छा,
कुछ ये वजूहत थी, कुछ इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो अनड्यू इंटरफेरेंस है एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर, ठीक है, तो ये जो अनड्यू इंटरफेरेंस है, इस अनड्यू इंटरफेरेंस की वजह से और कुछ यूनिवर्सिटी के जो डार्कोनियन लॉज हैं उन लॉज की वजह से स्टूडेंट यूनियन जो है उन्हें एजुकेशनल कैंपसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं कि जो एक तालब इलम को बतौर तालब इलम रहनुमा आपको पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन जो है ये आज बैन है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। अच्छा, हम इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि स्टूडेंट यूनियन जो है या तलबा सियासत जो है ये बैन कैसे हुई, या तलबा सियासत का माजी में कहाँ पे आपको इसका कोई सिरा मिलता है। क्योंकि मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा समेटता हूँ, मेरा टॉपिक तो बहुत बड़ा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लेकिन मैं इसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स सब कंटिनेंट का टच दे के स्पेसिफिकली मैं इसको डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तलबा सियासत पाकिस्तान के तनाजर में, ठीक है, और उसमें अंजुमन तलबा इस्लाम का क्या किरदार है उसको भी किसी हद तक कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। अच्छा, तीन फेजेस में आप तलबा तंजीमों के जो सियासत है उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक फेज याद रखिएगा 1987 से 1937 तक, दूसरा फेज आप समझें कि 1937 से 1947 तक, दो फेजेस हो गए, और तीसरा फेज जो है 1947 से टिल 2020 तक, ये 21 तक। ये तीन फेजेस हैं कि जिन तीन फेजेस में आप किसी भी यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें इन तीन फेजेस में क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखें इन तीन फेजेस में सबसे पहली बात ये हुई कि 1857 से जब आप 1937 तक आते हैं तो ये कॉलोनियल पीरियड था, सब कंटिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। अगर आप तलबा तंजीमों की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मुसलमानों की तलबा तंजीमें जो हैं, मुसलमान चूंकि अभी तालीम में भी बहुत पीछे थे और वो एक नैरेटिव ही डेवलप नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसी कशमकश में आप देखें कि मुसलमानों ने बहुत सारा अरसा ज़ाया कर दिया। कुछ थोड़ा सा सिरा हमें ये मिलता है कि जब लॉर्ड कुर्जन ने 1905 में 1905 में जब तकसीम बंगाल की गई, बंगाल की जब तकसीम होती है तो बड़े पैमाने पे स्टूडेंट जो है इसके खिलाफ निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन चूंकि वो पावरफुल रिजीम था तो स्टूडेंट की आवाज़ को दबा दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट करते हुए मैं आता हूँ 1937 तक चले जाते हैं। 1937 में आपको पता है कांग्रेसी वजारतें आई, कांग्रेसी वजारतों पर मुसलमानों पर जो है बहुत बड़े मतलब मुजालम किए गए, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। अच्छा, यहाँ से आगे शुरू होता है जो तलबा तंजीमों का किरदार है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हैं उन्होंने उनकी हदायत पे आप ये याद रखें और ये आपको ये चीज़ें आनी चाहिए बतौर तालब इलम रहनुमा, आपको इन चीज़ों से आगाही होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशनल कैंपसेस में पढ़ते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, और अंजुमन तलबा इस्लाम का हकीकी फेस वही है कि जो लोगों के काउंटर नैरेटिव को एक अच्छे तरीके से सुलझे हुए अंदाज में वो क्या कर सके, डिफेंड कर सके अपने आप को भी, और तलबा तंजीमों के बारे में भी आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। कि अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि 1937 में जब आप आते हैं 1 सितंबर 1937 में पहली मुस्लिम तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी गई, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने इसकी बुनियाद में कलीदी किरदार अदा किया, और कलकत्ता में इसकी बुनियाद रखी गई। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो पहले सदर बने वो हमीद निज़ामी बने, और उसके अलावा मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी साहब इसके जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है। अब इसका बुनियादी मकसद क्या था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो आम स्टेट है उसके अंदर ये डेवलप किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि नज़रिया पाकिस्तान जो है इसके फ़वाद क्या है, नज़रिया पाकिस्तान आगाही मुहिम जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने क्या किया, नज़रिया पाकिस्तान की आगाही की बात की, ठीक है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जब निकलती है एक नैरेटिव लेके कि हमें क्या करना है, एक अलग रियासत की बुनियाद रखनी है जो जिसकी बुनियाद जो है वो कलमा तैयबा की बुनियाद होगी, या कलमा तैयबा की बुनियाद पे जिसकी बुनियाद रखी जाएगी। अच्छा, आप एक नारा अक्सर ये लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है।
इस नारे का मैं रख क्या बना, ये कहाँ से आया है नारा। बेसिकली ये नारा जो है, आप अगर तारीख के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सियालकोट के तलाई मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले जो है वो हो रहा था। तो वहां पे एक हिंदू ने ये सवाल किया कि मुसलमान आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो उसने तंज के अंदाज में मुसलमानों से पूछा कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो वहां पे भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसका एक तालबे इलम रानमा वो स्टेज पे गया, उसने उस नारे का जवाब दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर वो नारा जबान ज़दे आम बना और पाकिस्तान की क्रिएशन का सबब बना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, आपको इस बात से आप आगाह होने चाहिए कि ये बुनियादी तौर पे ये जो नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा भी एक तलबा तंजीम ने क्रिएट की है, जिस नारे के ऊपर आप अपनी पूरी मतलब रियासत की बुनियाद आपने रखी। अच्छा, 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद आप देखें कि पाकिस्तान 47 से 56 तक पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सका, क्राइसिस की वजह से, कायदे आजम की वफात हो गई, ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, पाकिस्तान के पे दर पे पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो बदलते रहे और पाकिस्तान कोई स्टेट के लिए कोई आयन या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप ना कर सका। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसी को बेस बना के पाकिस्तान एक रियासत की बुनियाद जो थी वो चलाना शुरू कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होना शुरू हुई। अच्छा, इस दौरान जो तलबा सियासत थी उसने क्या किया, तलबा सियासत में आप याद रखें कि 1949 के आखिर में करीबन DSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन उसकी बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन क्या थी, ठीक है, आप ये याद रखें, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, आप अक्सर ये बात सुनते होंगे और दोस्तों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के बारे में आप जब ये बात करते हैं कि व्हाट वाज द डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, या आप दो तरह के नजरियों की बात करते हैं, आप राइटिस्ट की बात करते हैं और लेफ्टिस्ट की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि दाएं बाजू की तलबा तंजीमात और बाएं बाजू की तलबा तंजीमात, तो दाएं और बाएं बाजू की तलबा तंजीमात क्या थी, क्या वो नैरेटिव लेके आई थी, या उनका मैनिफेस्टो क्या था, किस नज़रिए पे वो काम कर रही थी। देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू को साथ साथ लेके चलता हूँ। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने पाकिस्तान की बुनियाद या पाकिस्तान बनने में कलीदी किरदार अदा किया, पाकिस्तान बनने के बाद की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई। अच्छा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन जो है ये बेसिकली लेफ्टिस्ट जो थे इनका मैनिफेस्टो जो था वह लेफ्टिस्ट को कहा जाता है इनको। देखें, ये देखने में एक बड़ा जानदार और पुरफिशान नारा लेके आए थे और बड़ा इसमें लोगों के लिए ये चार्मिंग था कि इनके पास ये एक लिबरल आवाज़ थी बुनियादी तौर पे, और ये सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ निकले थे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है, इन्होंने जस्टिस की बात की, इन्होंने स्टूडेंट राइट की बात की, इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन की बात की, इन्होंने तलबा की बेहतरी बहाली की बात की, और इन्होंने एक तवाना आवाज़ बुलंद की कि सरमायादाराना निज़ाम जो है उसके खिलाफ जंग होनी चाहिए और आम आदमी जो है उसको, या आम तालबे इलम जो है उसको मुकम्मल हकूक का तहफ़ हासिल होना चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ये नैरेटिव या ये मैनिफेस्टो जो था ये हमारे बिल्कुल ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक था। मसला कहाँ पे शुरू होता है, मसला या लेफ्टिस्ट या बाएं बाजू की तंजीमात का मसला ये था कि ये सारी चीजें चाहते थे लेकिन विदाउट रिलीजन, ये फ्रीडम चाहते थे विदाउट रिलीजन, ये जस्टिस चाहते थे विदाउट रिलीजन, ये बहाली हकूक के तलबा की बात करते थे विदाउट रिलीजन, इन्होंने तलबा की फीसों में कमी की बात की, ठीक है, इन्होंने तलबा तंजीमात की प्रोग्रेस की बात की, इन्होंने स्टूडेंट के प्रोग्रेस की बात की, ठीक है। तो DSF जो है ये बेसिकली कैपिटलिज्म, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बिलावल भाई, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ ये एक जंग थी, लेकिन ये तब तक ठीक थी कि जब तक इनने फ्रीडम इक्वेलिटी की बात की, लेकिन विद इन इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। लेकिन इनका जो मोटिव था वो मोटिव बेसिकली क्या था कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तलबा हकूक की बात होनी चाहिए, लेकिन विदाउट रिलीजन, हम पे मजहब की कोई पाबंदी ना हो, ठीक है।
अच्छा यहां तक तो बात समझ आती है। यहां से आगे फिर इनको बाएं बाजू की तंजीमात इसलिए कहा जाता है। अब मैं जब भी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट की बात करूंगा तो आपने ये याद रखना है कि लेफ्टिस्ट जो है बेसिकली वो बाएं बाजू की तलबा तंजीमात जो है वो फ्रीडम, इक्वेलिटी, जस्टिस की बात करती हैं, लेकिन विदाउट रिलीजन, वो विदाउट रिलीजन ये बात करती हैं। अच्छा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। वो चार्टर ऑफ डिमांड का जो बेसिक उनका एक मकसद था, बेसिक ये चीज़ थी कि वो कराची में, कराची यूनिवर्सिटी की उन्होंने डिमांड की कि कराची यूनिवर्सिटी जो है उसकी बुनियाद रखी जाए, फीसों में कमी की जाए, इन सारी बातों पे उन्होंने बात की। लेकिन अब ये हुआ कि जब उनने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, उसके बाद 1951 में गालबन या 1952 में एक रैली निकाली जाती है जिसको डिमांड डे रैली का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये डीएसएफ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के लोग ये रैली निकालते हैं। अब हुकूमत ये बेवकूफ़ी करती है उसमें कि वो इन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन जो है इनके जो 73 तालबे इलम हैं उन पे बारूद और गोली चला देती है। जब गोली चल जाती है तो गोली चलने से ये होता है कि करीबन 4 तालबे इलम की मिलती है रिपोर्ट के 4 तालबे इलम जो है उसमें फोत होते हैं, मारे जाते हैं। अब ये जब काम होता है तो एक बड़े पैमाने पे एजिटेशन शुरू हो जाती है, पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन शुरू हो जाती है। मगरबी पाकिस्तान तब, मशरकी पाकिस्तान, फिर वन यूनिट एक फार्मूला आता है मोहम्मद अली बोगरा ने पेश किया था। ठीक है, तो उस वन यूनिट फार्मूले के भी अगेंस्ट जो है वो बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पे तहरीकें चलती हैं, तालिबे इलम जो हैं वो बड़े पैमाने पे एक तहरीक चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी एजिटेशन पूरी स्टेट को उसका सामना करना पड़ता है। अब स्टेट चूंकि नई थी, वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, तो फिर ये किया गया कि 1954 में, ठीक है, 1954 में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन पे पाबंदी आयद कर दी जाती है, पहली दफा ऐसा होता है। ठीक है, अब जब डीएसएफ पे पाबंदी लगती है तो फिर एक ऐसा, देखें हर दौर में कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे अवामिल आते हैं कि जिनको बुनियाद बना के, आप मेरे साथ रहें इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और ये चीज़ें आपको काम देंगी, आपकी पॉलिटिकल मतलब मुमताज़ दौलताना ने चलवाई थी। बिल्कुल जी एम साहब, आप भी चूँकि तारीख के तालिबे इल्म हैं तो। अच्छा, अब आप देखें हुकूमत क्या करती है, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद में मामनत जो है वो हुकूमत देती है। 1955 में एनएसएफ की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, एनएसएफ जो है, एनएसएफ ने तलबा सियासत में बड़ा किरदार अदा किया है। ठीक है, नो डाउट कि वो, हम तो उसे नेगेटिव कहते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा तलबा तंजीमात या तलबा सियासत के अंदर। अच्छा, होता ये है कि 1955 में एनएसएफ की बुनियाद रखी जाती है और ये हुकूमती सरपरस्ती में होता है। इसका बेसिक मकसद ये था कि डीएसएफ को काउंटर किया जाए, क्योंकि वो लोग जो थे वो स्नब करना, गवर्नमेंट को स्नब करने के दर पे थे, तो इस हद तक वो आ चुके थे या उन्होंने इतना मोमेंटम गेन कर लिया था कि पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनको ये डर आया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनएसएफ की बुनियाद रखवाई। अच्छा, अब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की जब बुनियाद रखी जाती है तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, 1958 थोड़ा बहुत एनएसएफ जो है वो प्रोपोगेट करती है, लाहौर में उसे स्पेस दी जाती है, कराची में उसे स्पेस दी जाती है। ठीक है, अच्छा ये भी लेफ्टिस्ट ही थे, ये भी फ्रीडम, जस्टिस, इक्वेलिटी की बात करते थे लेकिन विदाउट रिलीजन। ठीक है, अब जब ये चीज आती है तो इस्लामी जमीयत तलबा, ठीक है, जमात इस्लामी का जो जैली विंग है, इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी जमीयत तलबा उसकी बुनियाद 1947 में रखी गई थी, सितंबर में गालबा या दिसंबर 1947 में इछरा में। ठीक है, इछरा में उसकी बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, जमात इस्लामी का जो जैली विंग है, इस्लामी जमीयत तलबा, वो पॉलिटिकल सेटअप में या पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन की तरफ आती है। ठीक है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ आती है। अच्छा, 60 की जो दहाई है, 1960 से लेकर 70 तक, ये जो 10 साल का अरसा है, ये 10 साल का जो अरसा है जिसे 60 की दहाई बोलते हैं आप, ये दाएं और बाएं बाजू की कश्मकश की दहाई है। ये जो डिकेड गुजरा है 10 साल का, इसमें दो नैरेटिव जो है वो चलते रहे। एक नैरेटिव चलता रहा राइटिस्ट और दूसरा लेफ्टिस्ट। ठीक है, राइटिस्ट क्या थे, ये इस्लामिस्ट थे, ये इक्वेलिटी, जस्टिस की बात करते थे लेकिन विदाउट द बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ रिलीजन।
जबकि दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, जिसे मतलब आप अक्सर आपने आईटीआई के प्रोग्रामों में ये नारा सुना होगा कि पहले ये नारा लगाया जाता था, एशिया सब्ज है, एशिया सुर्ख है, ठीक है, तो हमने सब्ज सुर्ख के नारों को छोड़ के फिर एक ऐसे नारे की बुनियाद रखी कि जो नारा गुम्बद हज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से फैज पाता था, ठीक है। तो अच्छा, जब मैं तलबा सियासत पे बात कर रहा हूँ तो फिर तमाम तलबा तंजीमों को मैं एक न्यूट्रल वे से लेके चलता हूँ, ठीक है। अब वो जो 60 की दिहाई है, ठीक है, 60 की दिहाई में जो वो 10 साल का अरसा है उसे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, ठीक है, अब आईजेटी जो है आप ये दाएं बाजू की तलबा तंजीम कहलाई, एनएसएफ ठीक है वो बाएं बाजू की तलबा तंजीम कहलाई, इनमें कशमकश रहती है। अच्छा, इस दौर में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तारीखी, और वो ब्रेक थ्रू ये था कि देखें 1965-1966 में भी एनएसएफ की कुर्बत हो गई। देखें एनएसएफ जो है, पहले एनएसएफ की अवामी नेशनल पार्टी जो है उसके साथ एनएसएफ का अलायंस हुआ, ठीक है, फिर 1966 और 1965 इस दौरान ताशकंद डिक्लेरेशन होता है जिसे ताशकंद माहिदा कहते हैं, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर एजिटेशन करते हैं, ठीक है। अब वो ताशकंद डिक्लेरेशन के खिलाफ भी एक तहरीक चलती है, एनएसएफ उसमें कलीदी किरदार अदा करती है, और अयूब की गवर्नमेंट जो है, जनरल अयूब की जो गवर्नमेंट है उसको ढहाने का जो सबब बुनियादी तौर पे बने थे वो तलबा ही बने थे। आप इस बात से आगाह हों या नहीं, लेकिन ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर एजिटेशन हुई थी, ठीक है, चीनी को बुनियाद बनाया गया था कि चीनी का बुरान पैदा किया गया या जो भी हुआ, उस तरफ नहीं मैं जाना चाह रहा। बहरहाल, उसमें भी एनएसएफ के लोगों ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, यानी तलबा तंजीमों ने कलीदी किरदार अदा किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि एनएसएफ का एक ड्रॉबैक ये हुआ कि 69 में, इससे पहले मैं 68 की भी बात करूंगा, 69 में एक चीज ये है कि एनएसएफ जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एनएसएफ के पीछे दो नजरिए काम कर रहे थे, एक जो है वो प्रो चाइनीज था और एक प्रो सोवियत यूनियन, एक रूस से आया था और एक चाइना से आया था, ठीक है। ये पीछे थ्योरीज हैं रिलेशनशिप की, मतलब कैपिटलिज्म निज़ाम है, पूरे पूरे कैपिटलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ठीक है, इस पे एक अलग से पूरा सेशन चाहिए हमें। बहरहाल, यहाँ पे एनएसएफ के टुकड़े हो जाते हैं, एक प्रो चाइनीज और एक प्रो सोवियत यूनियन, ठीक है, ये दो तरह के नजरिए फरोग पाते हैं। इस दौरान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है कि एक ऐसी तलबा तंजीम की बुनियाद रखी जाती है कराची के अंदर कि जिसने आगे चल के तलबा सियासत में एक अच्छी रवायत और एक अच्छे फोरम को फरोग दिया, और वो तलबा तंजीम तो थी, वो अंजुमन तलबा इस्लाम थी। अंजुमन तलबा इस्लाम भी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आई, और अंजुमन तलबा इस्लाम ने आके ये नैरेटिव लिया कि हमें क्या करना है, एक पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है, और इस पीसफुल रिलेशन की जो बुनियाद होगी, उस पीसफुल रिलेशन की बुनियाद जो है वो बुनियाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पे रखी जाएगी। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वाए हसना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपका अखलाक हसना है कि आपने मिसाके मदीना भी किया, सुलह देबिया भी की, ठीक, और मिसाके मदीना और सुलह देबिया का नतीजा ये हुआ कि मक्का जो है वो बगैर किसी लड़ाई के मुसलमानों ने फतह किया, ठीक है। इसी नैरेटिव को लेके, एक पीसफुल नैरेटिव को लेके अजमत तलबा इस्लाम 1968 में इसकी बुनियाद रखी कराची में चंद तालब इल्मों ने, और फिर इसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की। अच्छा, अब अभी अजमत तलबा इस्लाम का इब्तदाई दौर था 1971 से, ठीक है, 1971 से आप ये याद रखें कि 1977 तक तलबा तंजीमात के इंतखाबात होते रहे, ठीक है। जैसे ही जुल्फकार अली भुट्टो साहब वज़ीरे आज़म बनते हैं तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने पीएसएफ की बुनियाद रखी है, ठीक है, 1974 में, ठीक है, और सॉरी 1973 में भुट्टो साहब ने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी, ठीक है। तो उसके बाद 1974 में एक स्टूडेंट यूनियन ऑर्डिनेंस जारी किया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, और उस स्टूडेंट यूनियन ऑर्डिनेंस का जो बुनियादी बुनियादी निकात थे उनमें तीन चार निकात आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि तलबा तंजीमात को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का हिस्सा बनाया जाए, डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसमें स्टूडेंट्स को रखा जाए, फीसिस की जो कमेटी रहे, मतलब जो फीसें ली जाती हैं, या कोई भी एकेडमिक्स की जो कमेटीज बनेंगी, स्टूडेंट जो हैं उसका हिस्सा बनेंगे और स्टूडेंट उसका पार्ट होंगे। ये तीन चार बेसिक पॉइंट थे जो भुट्टो साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसे स्टूडेंट यूनियन ऑर्डिनेंस बोला जाता है 1974 में। अच्छा,
1971 से 1977 तक कश्मकश चलती रही, इंतखाबात होते रहे बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, ठीक है, और उसके अलावा रावलपिंडी में इंतखाबात होते रहे। अब ये वो दौर था कि जिस दौर में दो तंजीमें, तलबा तंजीमें, या दो नजरिए आप कह सकते हैं कि वो कर रहे थे, प्रमोट हो रहे थे, एक जिसको आप दाएं बाजू कह सकते हैं इस्लामिस्ट और दूसरे जो हैं लेफ्टिस्ट, ठीक है। अब इसमें जो लेफ्टिस्ट थे वो सिर्फ एनएसएफ ने के साथ, पख्तून जो तरक्की पसंद सिंधी थे, तरक्की पसंद पश्तून आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये सारे लोग एक तरफ थे। इस्लामी जमीयत तलबा उस वक्त इस्लामिस्ट के तौर पे आ रही थी, ठीक है, और उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काउंटर नैरेटिव जो है एनएसएफ के अगेंस्ट, या एक पूरी थ्योरी के अगेंस्ट एक काउंटर नैरेटिव डेवलप किया। अंजुमन तलबा इस्लाम उस वक्त इब्तदाई दौर में थी, ठीक है, और अंजुमन तलबा इस्लाम उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। अभी अंजुमन तलबा इस्लाम की ग्रोइंग एज है, ठीक है, इसमें आप खत्म नबूत की तहरीक दें, उस देख लें, ठीक है, खत्म नबूत की तहरीक की जब आप बात करें तो अंजुमन तलबा इस्लाम ने 1974 में उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तकसीम बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक में अंजुमन तलबा इस्लाम का किरदार था। फिर जब 77 में तहरीक चली है जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, तो उसमें तलबा तंजीमों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें अंजुमन तलबा इस्लाम भी स्टूडेंट अलायंस का हिस्सा बनी, और ये तारीख के औराक में महफूज है। अच्छा, अब 77 से जब आप देखें कि आगे चलते हैं, 80s में आते हैं, ठीक है, 80s में ये हुआ कि जब सोवियत यूनियन, देखें अफगानिस्तान बॉर्डर पे जंग हो रही थी, तो कराची यूनिवर्सिटी में असला था, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिन चीजों की वजह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया गया, ठीक है, और वायलेंस की मैं इसका जवाब भी दूंगा, ठीक है, कि मैं इसका जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह कि वायलेंस किस हद तक है और कहाँ, तो कैसे इसको कोप डाउन करना चाहिए। तो ये याद रखें कि 79 में बॉर्डर पे जंग हो रही थी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में भी असला मौजूद था, मुसल्ला सियासत का आगाज हुआ, ठीक है, और वो डिक्टेटरशिप का दौर था, और उस दौर के अंदर देखें ये सारा कुछ स्टेट की छतरी तले होता रहा, ठीक है, एक तलबा तंजीम को स्टेट ने मुसल्ला किया, उस तलबा तंजीम ने मुसल्ला जदोजहद का आगाज किया, जिहाद के नाम पे फंडिंग की गई, ठीक है, जिहाद के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पे पैसा इकट्ठा किया गया, कैंपसिस के अंदर असला पहुंचाया गया। अब जब हम ये कहते हैं ना कि अंजुमन तलबा इस्लाम क्लैशनकोव कल्चर का खात्मा करती है, तो ये बेसिकली इशारा इसी तरफ होता है, क्लैशनकोव कल्चर जो जियाउल हक के दौर में आया, ठीक है, और उसको लेके कौन आया, ठीक है, जिहाद के नाम पे इस्लामिस्ट का जो एक चेहरा था वो असले के नाम पे, ये मुसल्ला जदोजहद का उन्होंने आगाज किया। अब देखें जो 80 से 80 से 83 तक, ये 3 या 4 साल जो हैं, इन 3 या 4 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा तालिबे इलम जो हैं एजुकेशनल कैंपसेस में फायर लगने से मरे, ठीक है, तो ये असला स्टेट की सुपरविजन में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट जो है, ये कैंपसेस में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया, अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। अच्छा, अब किसी बंदे ने जियाउल हक को ये मशवरा दिया कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा आगे, या इनके प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे अयूब का दौर खतरे में पड़ गया था, अयूब को कुर्बानी देनी पड़ी अपने रिजीम की, तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन करनी पड़ेगी। अच्छा, वो फिर स्याह दिन आता है 9 फरवरी 1984 का, कि उस स्याह दिन में ये होता है कि स्टेट जो है वो स्टूडेंट यूनियन को बैन कर देती है, और ये नैरेटिव लिया जाता है कि भाई स्टूडेंट यूनियंस आर क्रिएटिंग अ वायलेंस इन द एजुकेशनल कैंपसेस, के एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट यूनियन की वजह से वायलेंस हो रहा है। अच्छा, वो तलबा तंजीमों को कर्ब करने का दौर था, लोगों को एजुकेशनल कैंपसेस से पकड़ा गया, गायब किए गए लोग, ठीक है, यूनियन के इंतखाबात बैन कर दिए गए, एजुकेशनल कैंपसेस में रेंजर पुलिस, या मतलब एजुकेशनल कैंपसेस में आर्मी, डिक्टेटरशिप का दौर था, आर्मी को स्नब, आर्मी ने उन स्टूडेंट्स को स्नब करना शुरू कर दिया, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस के तहत लोगों को और स्टूडेंट को, इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ ये देखें आप के मतलब कोई एक स्टूडेंट इफेक्ट नहीं हुआ, पूरा एक एजुकेशनल सिस्टम इफेक्ट होता है। उसके बाद ये हुआ कि
1984 के बाद, फिर जब 88 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो साहिबा इंतखाबात का ऐलान करती हैं, ठीक है, और यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है, ठीक है, कि यूनियन के इंतखाबात कैसे होंगे। सिर्फ पंजाब के अंदर यूनियन के इंतखाबात होते हैं, ठीक है, और उन इंतखाबात में आप ये देखें कि असद गाजी साहब इस बात का चलें जवाब देते हैं। अच्छा, इंतखाबात जो हैं, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत थी, स्टूडेंट बहाल क्यों नहीं करवा सकी, ठीक है। अच्छा, अब देखें आप, इन इंतखाबात जब होते हैं 1989 में, ठीक है, पंजाब के 155 कॉलेज के अंदर अंजुमन तलबा इस्लाम विन करती है, मुख्तलिफ अलायंस बना के, कहीं क्लीन स्वीप किया, कहीं अलायंस बनाए, ठीक है। अंजुमन तलबा इस्लाम क्यों विन की, अंजुमन तलबा इस्लाम ने क्यों विन किया, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एटीआई जो नजरिया लेके आई थी, इससे पहले तमाम नजरिए जो थे वो लोग उनको ट्राई कर चुके थे, स्टूडेंट्स बेसिकली उनको ट्राई कर चुके थे। अंजुमन तलबा इस्लाम के पास एक ये पीसफुल नैरेटिव था कि हम पुरअमन तलबा तंजीम है और हमने फरोग इश्क के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना है, और हमने एक ऐसी बुनियाद रखनी है तालिबे इल्मों के लिए कि जो कि आगे चल के सोसाइटी को बिल्ड कर सके, नेशन को सर्व कर सके। और माजी में भी अंजुमन तलबा में भी माजी में भी अंजुमन तलबा आम आदमी पार्टी, बेटा आप स्टूडेंट ही लग रहे हैं मेरे, थोड़ा सा होल्ड करें, मैं इंशाल्लाह मुझे इनबॉक्स करें, मैं मैसेज के आपके सारे मैसेज के जवाब दूंगा। अच्छा, उसमें ये है कि एक 1989 में जब अंजुमन तलबा इस्लाम ने पंजाब के कॉलेज में विन किया, तो स्लोगन जो एटीआई लेके आई थी, वो स्लोगन जो था वो मिली यकजहती साल अंजुमन तलबा इस्लाम ने बनाया था, या कौमी यकजहती साल, तो उसमें भी ये उनसर था कि हमने यकजा होना है और मुल्क मिल्लत की बेहतरी के लिए, नेशन की बिल्डिंग के लिए, करेक्टर बिल्डिंग के लिए हमने सर्व करना है। इस वजह से अंजुमन तलबा इस्लाम को पज़ीराई मिली और 155 कॉलेज में अंजुमन तलबा इस्लाम ने विन किया। तारीख इस बात की शायद है, ठीक है, जंग में भी एडिटोरियल और ये फोरम वगैरह आज भी तारीख का वो हिस्सा है। अच्छा, फिर आपको पता है कि असेंबली टूट गई पीपल्स पार्टी की, फिर 1992 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ ने खुद मतलब हुकूमत ने रिट की और सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इसको, स्टूडेंट यूनियन को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा, कभी एक जमहूरी दौर कभी पूरा ही ना हो सका, कभी पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, ठीक है, तो फिर मार्शल लॉ का दौर आ जाता है परवेज मुशर्रफ का। तो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर 2008 में ख़त्म होता है, 2008 में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले खिताब में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2008 में ये ऐलान करते हैं कि हमने तलबा तंजीमों को बहाल करना है, तलबा तंजीमें इस आस पे कि शायद अब बहाली हो जाए, तलबा तंजीमें अपना काम जारी रखती हैं, लेकिन ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाया गया। फिर 2017 में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, कि 2017 में ये हुआ कि सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई सेनेट से, और ये कहा गया कि तलबा यूनियंस जो हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए, एजुकेशनल कैंपसेस में यूनियन के इंतखाबात होने चाहिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको डिसाइड किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड नहीं हो सका कि तलबा तंजीमें जो हैं उनको उनसे पाबंदी हटाई जाए। तो आया तलबा तंजीमें जो हैं इनसे पाबंदी कैसे हटाई जाए, क्यों हटाई जाए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, तो ये सारे कुछ ऐसे तल्ख सवाल हैं कि जिनका जवाब बतौर तलबा तंजीम आपको ढूंढना है, आपको देखना है, और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है तलबा तंजीमों का क्या किरदार रहा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये एक बड़ा जामे एक टॉपिक है और आपको बतौर तालबे इलम और तालबे इलम रहनुमा इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, गुफ्तगू को समेटने की तरफ आता हूँ कि इसको क्लोज करते हैं, मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी काफ़ी हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि एक चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम इसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान क्लास डिस्टिंक्शन पे बेस करता है, कोई माने या ना माने,
पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये दो क्लासेस हैं, और तीसरी क्लास लेबर क्लास है। ठीक है, फ्यूडल्स जो हैं वो पंप एंड शो करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सपोर्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, सीएसपी ऑफिसर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वेल्थ को पंप एंड शो को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं? फ्यूडल्स वो हैं कि जिनके जो एंसेस्टर थे उनको एग्रीकल्चर लैंड दी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर रिजर्वी मुल्क है। पाकिस्तान का जो 75% पाकिस्तान की जो आबादी है वो इस पर डिपेंड करती है। जीडीपी पाकिस्तान का ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो जिनके पास जमीनें हैं और जिन्होंने उन जमीनों को ऑन किया हुआ है, कॉलोनियल दौर में जो उनके एंसेस्टर जो थे वो गुलाम थे, मतलब, तो वो आज फ्यूडल्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है? वेल्थ, अपनी दौलत लगाते हैं इन फ्यूडल्स पे, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी आप देखें कि मुल्क का 20% हिस्सा, जी बिलावल भाई, मुल्क का 20% हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल सेटअप को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप में से बिलावल गोंदल हो गया, चौधरी उमर गुमन हो गया, जीएम अवैसी हो गया, नुमान जबार हो गया, आमर इस्माइल हो गया, मोहम्मद अकरम रिजवी हो गया, मियां आकब मुस्तफाई हो गया, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे दोस्त, इजाज़ुल मुस्तफा हो गया, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त जो हैं, ये सारे दोस्त अगर पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे, ये ले मैन है, ये मतलब एक स्टूडेंट की या इस दुनिया जो है यहाँ जिससे मतलब वो इस इन मसाइल को जानते हैं, अगर वो पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे तो बिलावल और मरियम को जगह मिलेगी? कभी नहीं। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल ग्रोथ जो है एक स्टूडेंट लीडर की हो चुकी होती है, इन लोगों की नहीं हो सकती, ठीक है, ना इनकी एजुकेशन पाकिस्तान की, ठीक है, ना इनका ओढ़ना बिछौना पाकिस्तान का, ना ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल से आगाह हैं, ना इनको ये पता कि पाकिस्तान का एक स्टूडेंट किन मजबूरियों से या किन क्राइसिस से गुजर के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। इन चीजों का पता तो मुझे है, आपको पता है, ताहिर अमीन साहब को पता है, ठीक है, जिशान अफजल साहब को पता है, ये सारी चीजें। अगर आप लोग इस पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे तो इन लोगों का क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये लोग क्यों आने देंगे आपको आगे? ये फ्यूडल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों एक आम किसान के आदमी को, किसान के बच्चे को क्यों ये प्रमोट करेंगे? ये क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क की बाग दौड़ जो है वो एक ऐसा बंदा संभाले कि जो पाकिस्तान को एक नई डगर पे लेके जाए? आप ये देखें, मैं मतलब आपसे मुखातिब हूं, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बात कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान जो है ये खुदादाद सलाइते हैं पाकिस्तान के लोगों में भी, और पाकिस्तान जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से अगर आप पाकिस्तान को देखें, सिर्फ मैं एक बात करूंगा, खत्म करूंगा बात को, पाकिस्तान की अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में मौजूद है कि जिस खित्ते से आप देखें कि हम इंडियन ओशन के बैंक पे हैं। दुनिया की तजारत का 65% जो है वो इंडियन ओशन से होता है। पाकिस्तान डायरेक्टली इससे बेनिफिट ले सकता है। अब आप देखें, लैंड लॉक स्टेट जो एनर्जी रिच स्टेट हैं, आजरबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी जो स्टेट्स हैं जो एनर्जी रिच स्टेट हैं, ठीक है, इन रिच स्टेट से पाकिस्तान का जमीनी रबता है वाहान स्ट्रिप के जरिए। अब पाकिस्तान जो है दुनिया की मैशियत को कंट्रोल कर सकता है। चार मौसम है आपके पास, टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा आपके पास चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, दुनिया का सबसे बड़ा माशी एग्रीकल्चर निजाम आपके पास है, चावल बनाने वाले आप हैं, नमक सबसे ज्यादा आप बना रहे हैं, पाकिस्तान में कौन सी मादनियात हैं जो नहीं है? कोयला आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको यूटिलाइज कौन करे? कौन सी ऐसी लीडरशिप है? बिलावल भुट्टो, मरियम, ये एक ऐसे मतलब ऐसी चीजें हैं कि जिन चीजों को आपको समझना होगा, आपको बतौर तलबा तंजीम, आपको बतौर स्टूडेंट लीडर इन चीजों से आप आगाह होने चाहिए, आपको इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान में आप रहते हैं। व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज एनर्जी रिच स्टेट, और जितने नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं दुनिया में बहुत कम ममालिक को ऐसा मैसर होता है। आपके इर्द गिर्द टूरिज्म का बहुत बड़ा, देखें कंज्यूमर जो है, बात थोड़ी पुरमग्ज है, फोकस करेंगे तो समझ आएगी, कंज्यूमर
देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनती है उसको कंज्यूमर चाहिए। ये जनूबी एशिया का जो खत्ता है, इसमें इंडिया है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें चाइना है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें इंडोनेशिया है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें पाकिस्तान है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क। तो जो अमेरिका है या जो यूरोपियन या अमेरिकन स्टेट्स हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस खित्ते में आना है, और इस खित्ते में आने के लिए कभी वो इराक पे हमला करते हैं, ठीक है, कभी वो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कभी वो ईरान और सऊदीया की जंग करवा देते हैं, ठीक है, कभी वो अफगानिस्तान पे हमला आवर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थिंकिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, और वो लॉबी और वो ये जो थिंकिंग है, वो ये थिंकिंग चाहती है कि किसी भी तरह पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लामाइजेशन जो है, इस्लाम जो है, उसको काउंटर किया जा सके। ये बातें किसे समझ आएंगी? ये बातें आपको समझ आएंगी, ये बातें आप सीखेंगे, आप जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। अगर स्टूडेंट यूनियन को बैन ना किया गया तो मसला क्या है? स्टूडेंट यूनियन को बैन ना किया गया तो मसला ये है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये डिबेट शुरू हो जाएगी। प्यारे भाई, अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ये डिबेट शुरू हो गई, तो इन लोगों को तो अपना दामन बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर जो मैंने अभी आपसे बात की, ये डिबेट अगर यूनिवर्सिटीज में शुरू हो जाती है, इन डायनामिक्स पे अगर कोई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बात करना शुरू कर देता है, तो ये फ्यूडल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट किधर जाएंगे? कैसे, मतलब इनका क्या बनेगा? तो ये देखें कि ये एक साजिश के तहत एक ऐसा नैरेटिव डेवलप किया गया है कि भाई तलबा यूनियन को बैन होना चाहिए। वो क्यों बैन होना चाहिए भाई? क्यों बैन होना चाहिए, मुझे बताएं क्या है? क्या तलबा यूनियन आपके हकूक की बात करेंगे? ना सिर्फ अपने हकूक की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करेंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ग्रो करने की बात करेंगे, सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो वो आपसे बेहतर जानते हैं। अब इस सिनेरियो से, इस सिनेरियो को, इस नजरिए को और इन चीजों को स्नब करने के लिए स्टूडेंट यूनिट्स को यूनिवर्सिटीज के अंदर बैन किया जाता है। मुझे ये बताएं, आप पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, आप एक, आपका मतलब जो सदर मुंतखब होता है किसी भी तंजीम का, अंजुमन तलबा इस्लाम, चूंकि मैं रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, अंजुमन तलबा इस्लाम कराची से लेकर आप कश्मीर तक, खैबर, पाकिस्तान के हर खित्ते में आप जाते हैं, आपको पता है आप ट्रैवलिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से आपने बैठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जब आप पॉलिटिकल सेटअप पे आएंगे तो आप लोगों के मुश्किलात को ज्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। जब आप लोगों की मुश्किलात को अच्छे तरीके से जानेंगे, आप ऐसी डेवलपमेंट्स करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट और फ्यूडल्स जो हैं, इनका मुस्तकबिल तो खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर ये क्यों यूनिवर्सिटीज में ऐसी डिबेट को फरोग करेंगे, ऐसी डिबेट को प्रमोट करेंगे? मुझे ये बताएं, वायलेंस, वायलेंस को बेस बना के इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया, वेयर इज, कहां पे वायलेंस नहीं हो रहा? क्या पॉलिटिकल सेटअप में वायलेंस नहीं है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आए रोज जो लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, क्या ये वायलेंस नहीं है? पिछले 36 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट यूनियन पे बैन है। भाई क्यों बैन है? मेरी उम्र 36 साल नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है वो दौर, मैं क्या जानू वायलेंस क्या होता है? आप क्या जाने वायलेंस क्या होता है? बहरहाल, ये बड़ा अच्छा टॉपिक था, आप लोगों ने उम्मीद है कि इसको जो है एंजॉय किया होगा, अच्छा सेशन था। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने मौका फराहम किया, और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े रहे शुरू से आखिर तक, आप सारे दोस्तों का शुक्रिया। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत, ठीक है, बाकी यार जिंदा, सोबत बाकी। आखिर में अल्लामा के इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फिक्र फरदा न करूँ महवे गमे दोश रहूँ, फिक्र फरदा न करूँ महवे गमे दोश रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और खमातन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। और फिर कहा कि है दोनों की परवाज़ इसी एक फिज़ा में, है दोनों की परवाज़ इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। सदक अल्लाह अज़ीम। बिलावल भाई, इंशाल्लाह आपसे राबता होता है, ठीक है, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।